क्या हुआ जब अचानक अयोध्या पहुंचा सैकड़ों नागों का झुंड। इनका संबंध नाग लोक से बताया जा रहा है। आखिर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के पहले ही इतने ज्यादा चमत्कार कैसे हो रहे हैं? सबसे पहले गिद्धों का झुंड राम मंदिर के आसपास देखे गए, जिन्हें जटायु का वंशज कहा जा रहा है। लोग इनकी पूजा कर रहे हैं। इसके बाद कुछ भालू अयोध्या में अचानक से दिखे गए, जो कि जामवंत का प्रतीक है। लेकिन अब एक ऐसा चमत्कार देखने को मिल रहा है जो अयोध्या के लोगों के लिए ही खतरा साबित हो रहा है। आज की वीडियो में बहुत बड़ा रहस्य से पर्दा उठने वाला है। आखिर राम जी का नागों से क्या संबंध है? आखिर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समय एक के बाद एक इतने सारे नाग क्यों निकल रहे हैं, वो भी अलग अलग प्रजाति के? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी सच्चे सनातनी हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। 22 जनवरी सोमवार के दिन अयोध्या में बनने जा रही रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। राम जी के आगमन की तैयारी भव्य जोरों शोरों पर है। ये तारीख कोई आम तारीख नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात छिपा हुआ है। आखिर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी का ही समय क्यों चुना गया? इसके पीछे का रहस्य जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। त्रेता युग में प्रभु श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। 22 जनवरी के दिन मृगजीत संयम का संयोग बन रहा है। यही कारण है जो इसी दिन को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया है। इसी के साथ माना तो ये भी जा रहा है कि इसी दिन रामलला के प्राण प्रतिष्ठा करने पर रामलला सदैव उस मूर्ति पर विराजमान रहेंगे। परंतु जैसे जैसे रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ही अलग अलग प्रजाति के नाग अयोध्या में प्रकट हो रहे हैं, जो कि अयोध्या वासियों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। परंतु गिद्धों का और भालुओं का संबंध तो प्रभु श्री राम से बताया जाता है। उन्होंने तो रामायण में उनकी सहायता भी की थी। परंतु इन नागों का प्रभु श्री राम से क्या संबंध है? आज की इस वीडियो में इस रहस्य से पर्दा उठने वाला है। बताया जा रहा है कि इनमें दो प्रजातियों के नाग अलग अलग क्षेत्रों में बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में निकली जा रही है, जिनका सीधा संबंध वासुकी और तक्षक नाग से जोड़ा जा रहा है। और एक उदाहरण पर तो ऐसा भी कहा जाता है कि प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण साक्षात शेष नाग रूप में वहां प्रकट हो रहे हैं, और वासुकी नाग, तक्षक नाग, शेष नाग तीनों ही आपस में भाई हैं, जिसमें वासुकी और तक्षक पाताल में वास करते हैं और शेषनाग वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। तो इन बातों को अंदाजा लगाया जा रहा है कि उनके भाई लक्ष्मण प्रभु श्री राम और माता सीता के साथ अयोध्या पहुंच रहे हैं। तो क्या पाताल लोक से ये दोनों नाग भी अपने भाई से मिलने के लिए बार बार प्रकट हो रहे हैं? दोस्तों, ये रहस्य बहुत ही बड़ा है। दोस्तों, कई जगहों पर अयोध्या में नाग प्रकट होते जा रहे हैं, जिससे वहां के मजदूरों को भी अब काम करने में डर लगने लगा है। परंतु जय श्री राम के नारों से उन्हें हिम्मत मिल रही है। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, जिस संसार में हम रहते हैं, इस पूरे संसार के समय चक्र को एक कल्प कहा जाता है। हर कल्प के चार युग व चार भाग होते हैं, और हर दूसरे कल्प में प्रभु श्री राम अयोध्या में जन्म लेते हैं और रामायण रच के फिर से बैकुंठ लोक चले जाते हैं। यानी इस धरती पर आप जो घटनाक्रम कर रहे हैं, वही बराबर घटनाएं किसी और यूनिवर्स किसी से आपके साथ पुनः दोहराने वाली है या फिर हो चुकी है। आगे मल्टीवर्स की सच्चाई को साबित करने के लिए एक ऐसी पौराणिक घटना आपको बताएंगे, जिसे जानने के बाद आपको भी मल्टीवर्स की सच्चाई पर यकीन होने लगेगा। इस दुनिया में केवल 3 लोगों को ही जीने की, टाइम ट्रेवल करने की इजाजत दी गई है, जिसमें पहले है वासुकी नाग, दूसरे है तक्षक नाग और तीसरे है काग भुसुंडी देव। तक्षक नाग और वासुकी नाग के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन सवाल उठता है कि काग भुसुंडी कौन है और आखिर इन्हें प्रभु श्री राम ने अमर कैसे बनाया? वेदों और पुराणों के अनुसार काग भुसुंडी जी ने 11 रामायण और 7 महाभारत देखी है। वह कल्प के अंत तक शाश्वत शरीर में जीवित रहेंगे। भगवान श्री राम ने ही काग भुसुंडी को अमर बनाया था। एक समय की बात है जब
प्रभु श्री राम खेल रहे थे और खेल खेल में ही काग भुसुंडी जी को वह पकड़ने के लिए उत्सुक हो गए। पकड़ने के दौरान काग भुसुंडी जी को प्रभु श्री राम के मुख पर समय आने पर काग भुसुंडी जी को भगवान के मुख के दर्शन हुए। बालकनाथ के मुख में आकाश गंगाओं ब्रह्मांड को देखने के बाद काग भुसुंडी जी ने भगवान श्री राम के पास उड़ना बंद कर दिया और उनके पास लौट आए। काग भुसुंडी जी ने प्रभु श्री राम को न पहचानने के लिए क्षमा प्रार्थना मांगी। प्रभु श्री राम ने दिव्य मुस्कान दी और काग भुसुंडी जी से उनकी इच्छा पूछी। काग भुसुंडी जी ने कहा कि वह भगवान श्री राम के प्रति अपनी भक्ति सदैव सदैव के लिए करना चाहते हैं। काग भुसुंडी के प्रेम और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि काल काग भुसुंडी को नहीं मार सकता और वह इस कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे, जिसके बाद जीवन के 27 चक्र तक वह जीवित रहे। उन्हें अमृत का वरदान प्राप्त हुआ। वह कौवे के रूप में जीवित रहे। उन्हें प्रभु श्री राम के निकट रहने का अवसर मिलता। जब भी भगवान राम का जन्म होता है वह अयोध्या जाते हैं और वह भगवान राम को अयोध्या में खेलते हुए बड़े होते हुए देखते हैं। मान्यता तो ये भी है कि ऐसा भी हो सकता है कि काग भुसुंडी जी आज भी प्रभु श्री राम के अयोध्या में मौजूद हो और राम मंदिर के निर्माण कार्य को अपनी आंखों से देख रहे हो। अपनी मर्जी से किसी विकल्प यानी और यूनिवर्स में जा सकते हैं, टाइम ट्रेवल कर सकते हैं और अयोध्या में इतने सांपों का पाना, वो भी राम मंदिर के उद्घाटन से पहले, तो इनका संबंध वासुकी नाग या तक्षक से लगाना गलत नहीं होगा। इन नागों के दर्शन मात्र से भक्तों का उद्धार हो जाता है। लेकिन कई लोग होंगे जो अभी भी मल्टीवर्स यानी दूसरे यूनिवर्स समय चक्र को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन आगे हम एक ऐसी आपको कहानी बताने जा रहे हैं जिसका संबंध सीधा रामायण से जुड़ा हुआ है और इसे सुनने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा कि मल्टीवर्स वास्तव में होता है। इस दुनिया में आने वाले हर इंसान मनुष्य की मृत्यु निश्चित होती है। समय तो ऐसा चक्र है जो भगवान प्रभु श्री राम को भी पूरा करना पड़ा था और मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा था। इसी प्रकार भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम भी इस धरती को छोड़ के वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। प्रभु श्री राम के मृत्यु के सबसे बड़ी बाधा प्रभु श्री राम के दूत हनुमान जी थे। इसी प्रकार प्रभु श्री राम भी इस लोक को छोड़कर विष्णु लोक गए, जो कि हनुमान जी के होते हुए यम की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह राम जी के पास पहुंच जाए। लेकिन यम ने स्वयं प्रभु श्री राम से जो इनका मृत्यु का हल निकाला, उसी प्रकार एक दिन राम जी जान चुके थे कि उनके मृत्यु का समय निकट आ चुका है। वह जानते थे कि जो जन्म लेता है उसे मरना भी पड़ता है। उन्होंने यम को आने का आदेश दे दिया। उन्होंने कहा कि मेरा समय अब वैकुंठ लोक जाने का समय आ चुका है, लेकिन मृत्यु के देवता यम अयोध्या में प्रवेश करने से डरते थे, क्योंकि उन्हें राम के भक्त और मुख्य के और राम जी के मुख्य प्रहरी हनुमान से भय लगता था। यम के प्रवेश के लिए हनुमान जी को हटाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। इसीलिए प्रभु श्री राम ने अपनी अंगूठी अयोध्या में फर्श से नीचे गिरा दिया और हनुमान जी से इसे खोज कर लाने के लिए कहा। हनुमान जी ने अपना स्वयं का स्वरूप छोटा करते हुए बिल्कुल भंवरे जैसा आकार बना लिया और केवल उस अंगूठी को ढूंढने के लिए उस छेद में प्रवेश कर गए। वह छेद केवल